हेलो दोस्तों, तो हमारे पास आज एक डेल लैपटॉप है, उसका बैटरी ख़राब हुआ है तो बैटरी रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो स्क्रूज है, ये रबर है सर, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये निकालेंगे अभी। रैम के नीचे भी एक स्क्रू रहेगा, वो संभाल के देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए, तो अभी ये कीबोर्ड निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए नॉच है इधर, 1 2 3, ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके नीचे तीन स्क्रू है, 1 2 3, अरे चार चार निकालना पड़ेगा इसको। और ये जो अभी कनेक्शन है ना, ये पावर एलईडी, ये टच पैड का है, ये सेटिंग बटन का है, ये निकालना पड़ेगा। तो अभी ये कवर निकालना, लैपटॉप बंद करते हैं। अरे देखिए, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा लैपटॉप का मदरबोर्ड। ये हार्ड डिस्क है, ये बैटरी है, ये मदरबोर्ड। क्योंकि हम लोग इधर तो स्क्रू रहेंगे बैटरी के, इधर एक है और इधर एक है, ये निकालना। तो ये बैटरी है डेल का, खराब हो, इसको साइड में रख देंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे ब्रश से। तो हमारे पास ये डेल का नया बैटरी है, ओरिजिनल, वो प्लेस कर देंगे इसको। सेम स्क्रू लगाना पड़ेगा आपको, दो स्क्रू।
सुतना ही है, वो फ्लिप बनता है। बैटरी रिप्लेसमेंट हो गए, फिर शुरू करके देखेंगे लैपटॉप। बायोस में जाएंगे तो उसके लिए F2 बटन प्रेस करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। देखिए बैटरी परफॉर्मिंग नॉर्मल, इसका मतलब बैटरी ठीक है। तो वीडियो को इधर ही एंड करेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।